लग्जरी कार से बिहार के लिए शराब तस्करी का खुलासा। होंडा सिटी कार से भारी मात्रा में पकड़ी गई शराब। पटना निवासी तस्कर गिरफ्तार। खबर चंदौली से है। बिहार में शराबबंदी के बाद लगातार चंदौली पुलिस कार्रवाई कर रही है और यूपी बिहार सीमा पर बड़े वाहनों को तस्करी में पकड़ रही है, जिसको देखते हुए अब शराब तस्कर नए तरीके तस्करी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें अब लग्जरी कार का भी प्रयोग तस्कर कर रहे हैं ताकि पुलिस की आँख में धूल झोंक कर आराम से वो बिहार सीमा में शराब के साथ दाखिल हो सके। ऐसे ही लग्जरी कार से शराब तस्करी का खुलासा किया है, जिसमें होंडा सिटी कार से 32 पेटी विदेशी शराब पकड़ी गई है और एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। दरअसल सैयदराजा पुलिस को सूचना मिली कि लग्जरी कार से शराब की खेप तस्करी कर बिहार जा रही थी, जिसको देखते हुए यूपी बिहार सीमा पर सैयदराजा पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। सैयदराजा थाना अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस फोर्स वाहनों की तलाशी कर रही थी। इस दौरान बिहार नंबर की होंडा सिटी कार बड़ी तेजी से बिहार की तरफ जा रही थी, जिसको रोकने का इशारा किया गया, लेकिन वो तेजी से बिहार की तरफ भागने लगी, जिसका पीछा कर नौबतपुर पुलिस बूथ के पास पुलिस टीम ने घेरेबंदी कर कार को पकड़ लिया। जब कार की तलाशी ली गई तो उसके डिग्गी और पीछे की सीट पर 32 पेटी विदेशी शराब रखी गई थी, जिसमें 29 पेटी शराब और 3 पेटी बियर शामिल था। कार सवार सोनू कुमार, जो कि बिहार के पटना जिला के पाटलिपुत्र कॉलोनी का निवासी था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। सैयदराजा थाने लाकर कार में रखे शराब की जब गिनती की गई तो कुल 32 पेटी 261 लीटर शराब बरामद हुई। पुलिस की माने तो बरामद शराब की कीमत 5 लाख रुपए है। वहीं आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। मामले का खुलासा करते हुए सीओ सदर रामवीर सिंह ने बताया कि बिहार जा रही शराब को पकड़ा गया है। लग्जरी कार में होंडा सिटी कार में ये शराब छुपा कर बिहार ले जाई जा रही थी। वहीं आरोपी को जेल भेज दिया गया है। अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए जा रहे मादक पदार्थ और शराब तस्करी को रोकने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है, उसमें चेकिंग के दौरान होंडा सिटी कार की चेकिंग की गई तो उसमें से एक अभियुक्त, जिसका नाम सोनू कुमार है और जो निवासी कॉलोनी पाटलपुत्र पटना बिहार का रहने वाला है, जिसको गिरफ्तार किया गया है और इसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये शराब की मात्रा 261 लीटर और बियर 36 लीटर और इसकी मार्केट में जो कीमत है वो 5 लाख के करीब है।